गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और गाइस व्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम शाम से, क्योंकि हम लोग आज निकलने वाले हैं बाहर घूमने के लिए। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज है गाइस ईद। तो आप सभी को ईद मुबारक गाइस, हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। सो आज बड़ा अच्छा ही यार, तो हर दिन है, सब लोग रोड पे होंगे, मस्त खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, घूम रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो देखें कैसा क्या माहौल है, हम लोग भी चलते हैं और पूरा एंजॉय करेंगे व्यू को। देखते हैं शायद मुझसे जट फिर मॉल भी चले आ, तो वहाँ बहुत भीड़ होगी, देखें कितने कितने लोग आते हैं और बाहर भी जहाँ जहाँ लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, चलेंगे अच्छी लोकेशन पर जैसा भी हो पाएगा। तो फिलहाल लेट नहीं करते हैं, फटाफट रेडी होते हैं, 4:30 बज चुके हैं, कब निकलेंगे कब पहुँचेंगे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट रेडी होते हैं, मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। इज फाइनली आई एम रेडी फॉर गोइंग कानपुर। और आज कानपुर के आपको मस्त मस्त व्यू दिखाएंगे, कैसा है क्या है, कैसा लोग आज मस्त इन्जॉय कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा बातें कम करते हैं, निकलते हैं। ये मेरा आउटफिट है, वाइट टी शर्ट, नीचे मेरी ये ब्लू जीन्स, बताइए आपको कैसा लग रहा है। और फटाफट निकलते हैं, मिलते सीधा आपको बाहर। यहाँ पे होती है हमारा मॉल में एंट्री, मॉल में एंट्री कर चुके हैं, चेकिंग करवाते हैं, चेकिंग करवाएं, चेकिंग हो चुकी है, फिलहाल चलते हैं अंदर। और आज तो बहुत भीड़ होगी यार, मैं बोल नहीं पा रहा, इतना शोर हो रहा है, फिलहाल मैं कोशिश करूँगा मैं आपको बता पाऊँ, दिखा पाऊँ। वैसे आप देखा जाए तो मेरे कहते बहुत ज़्यादा भीड़ होगी आज मॉल के अंदर, मैं कोशिश करूँगा पूरा आपको दिखा पाऊँ। तो ज़्यादा लोग आए ना भाई, पूरा भरा हुआ है मॉल, दिखाता हूँ आप देख रहे, इतने ज़्यादा लोग मॉल के अंदर आए हुए हैं, पूरा मॉल भरा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पूरा यहाँ पूरा पूरा टोटली पूरा मॉल फुल है यार, आज ईद है ना, तो सब लोग जितने लोग हैं मॉल के अंदर सब आ गए हैं, आधे आधे कानपुर मॉल के अंदर ही है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। गाइस यार अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ, मैं अब जाके अंदर आया हूँ चेंजिंग रूम में, इतना बाहर शोर हो रहा है कि मैं व्लॉग ही नहीं कर पा रहा, इस चक्कर में मुझे अंदर आके व्लॉग करना पड़ रहा है। और मैंने टी शर्ट निकाली है, चेक करता हूँ उसको अच्छी लगती है, लू टी शर्ट जल्दी मिलती नहीं है, तो यहाँ मिल गई है तो ट्राई करते हैं, अगर अच्छी लगेगी तो ले ली जाएगी। लेकिन बाहर तो बहुत भीड़ हो रही है यार, मैं सिर्फ व्लॉग ही नहीं हो पा रहा है, इतना शोर है, मैं कैसे आपसे बात करूँगा यार, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इतना ज्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हुआ है, इतना ज्यादा लोग आए हुए हैं ईद के मारे। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा आपको, फिलहाल टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ, चेक कर तो बता दो कैसी लगती है। Here it is. बताइए कैसी लग रही है हम लोग को, एकदम लूज है, एकदम कंफर्टेबल, एकदम ना हैंड से भी लूज है, पूरा साइड से भी लूज है, मतलब ऐसी टी शर्ट पहले से ही रहता है गर्मी में, लूज है कंफर्ट। तो बताइए कैसी लग रही है आपको, अच्छी लगेगी तो ले लीजिए। So guys यार क्या भीड़ हो रही है यहाँ पे, कुछ कुछ बता सकते हैं, ज्यादा भीड़ हो रही है कि मैं एकदम व्लॉग कर ही नहीं पा रहा, उतना ज्यादा शोर हो रहा है, कुछ भी बोल रहा हूँ आपको बहुत कम क्लियर सुनाई दे रहा होगा, मैं बहुत चिल्ला के बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ ना, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है मॉल में कि ईद के मारे हर कोई आया हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये चक्कर है गाइस, ये चक्कर है, हर कोई ऊपर नीचे सब चारों तरफ पूरा भरा हुआ है, चक्कर में व्लॉग ही नहीं कर पा रहा यार मैं सोच रहा हूँ व्लॉग नहीं कर पा, कैसे रुकूंगा, बात नहीं कर पाऊंगा आप लोग से, कुछ दिखाई नहीं पा रहा, आप लोग को दिखा पा रहा हूँ बट बोल नहीं पा रहा हूँ क्या एग्जैक्टली, इतना ज्यादा शोर हो रहा है यार, अगले अच्छा लग रहा है यार, तो हार रहे हैं सब लोग, काफी लोग आए हुए हैं, सब अपने फैमिली के साथ आए हैं, बच्चे सब अपने खा रहे पी रहे घूम रहे हैं, हम लोग यहाँ तो सिंगल है, अकेले अपने अकेले घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले तो क्या हुआ आराम से, मजा तो आ रहा है ना, मजा आना चाहिए कोई भी काम करें आप, पहले मेन मजा आना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ से बाहर, कुछ खाते वाते हैं और सोचते भाई अच्छी और अच्छी का चलते हैं। फाइनली मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और अंधेरा हो चुका है यार, हम लोग काफी टाइम लग गया, अरे यार स्लिप तो अंदर ही रह गई, अभी चेकिंग में स्लिप मांगेगा, स्लिप दे पाएंगे, पहले स्लिप निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे। मैं स्लिप कह रहा हूँ ना, ये स्लिप कहाँ दो, ये लोग उसके बिना एग्जिट नहीं मिलेगा ना, ये बहुत ज़रूरी है यार। वो मॉल से निकल चुके हैं और चल रहे बाहर, कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं कहाँ से, समझ में नहीं आ रहा, तो उससे कचौड़ी खा लें या फिर चाय पी ली है, देखते क्या ऑप्शन करते हैं, फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से यार, इतना भीड़ भाड़ है, इतना भीड़ भाड़ हो रहा था अंदर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या था, समझ में नहीं। पहुंच चुका हूँ काकादेव, और ये काकादेव का पार्क है मानस मंच पार्क,
हम लोग हमेशा यहीं पर आते थे, बैठते थे और कोचिंग बाद जब फ्री होते थे आके मस्त यहीं अपना खाना वाना खाते थे, बैठते थे। फिलहाल तो बच्चे लोग अभी यहाँ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और रात काफ़ी हो चुकी है। मेरा मन था कुछ जाए कुछ बाहर खाना खाने का, पर क्या को समझ में नहीं आ रहा, इतना भीड़ भाड़ हो रही है और ऑयली खाना खाने मन भी नहीं है। अगर देखिए छोटे छोटे डॉगीज आ रहे हैं मेरे ब्लॉग्स में, ये देखिए ये चक्कर है, और ये छोटे 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 लोग मेरे ब्लॉग्स में अगर डॉगीज ना आए तो मेरा, अरे बस 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 हाँ बस बस ये चक्कर है, मेरे ब्लॉग्स में डॉगीज आना जरूरी है। तो गाइज मैंने बिस्किट ले लिए जो अंदर बेचारे दिखाया ना, पपीज छोटे छोटे हैं तो चलते फटाफट उनको दे देते, बहुत भूखे हैं बेचारे, पीछे पीछे मेरे आ रहे थे तो चलते हैं दे देते हैं। ये देखिए पीछे पे भारी तक आ गए, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इन लोगों को बिस्किट डाल दिए, ये लोग अपना बिस्किट खाते हैं आराम से, इन लोग खाने देते हैं, खा लो भाई फटाफट मज़े मारो, हम लोग चलते हैं अपना आगे, काफ़ी रात भी हो चुकी है यार और मेरे को जाना भी है काफ़ी लंबा, तो देखते हैं थोड़ी देर वेट करते हैं अभी बच्चे मैच खेल लें तो इनका क्रिकेट मैच इन्जॉय करते हैं थोड़ी देर, एक आध शॉट आपको स्क्रीन दिखाएंगे अभी आपको। मैं गाइस करते करते ना वापस हमने पहुंच चुके हैं बदनाम चाय पीने, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये यहाँ की लोकेशन है और सब लोग मस्त चाय पी रहे हैं, चाय से काफ़ी टेस्टी हो रही है एकदम गर्म चाय जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये चक्कर है, वाह नाइस चाय, फटाफट चाय पी लेते हैं उसके बाद में चलते हैं यहाँ से। हम लोग यहाँ से मस्त चाय पी के निकल चुके हैं, हम निकलते हैं घर, मम्मी को फ़ोन कर लेते हैं एक बार पूछते हैं उन्होंने खाने में क्या बनाया, तो जैसा भी होगा अगर खाना कुछ बढ़िया बनाया होगा तो ठीक है वरना कुछ बाहर से ले लेंगे जैसा भी होगा, फिलहाल से पूछ लेते हैं एक बार। और अभी से हम लोग आते रहे मैं जस्ट लोग बस अभी यहाँ से निकले ही हैं बाहर और हम लोग को लग जाएगा आराम से अभी एक डेढ़ घंटा लगने घर पहुँचने लग जाएगा, इस हम लोग का मन माना नहीं तो फाइनली हम लोग खाने पहुँच गए कबाब पराठा, काकरदेव का फेमस कबाब पराठा मिलता है यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और ये द शॉप फटाफट लेते हैं हम लोग भी। इस बार हम लोग को वेज कबाब पराठा नहीं मिला ऑप्शन में, हम लोग को यहाँ पे वेज रोल मिल गया तो वेज रोल खा लेते हैं, पराठा नहीं मिला क्या कर सकते अपने ऑप्शन में नहीं था तो फटाफट ये खाते फिर निकलते हैं यहाँ से। यार वापस हम लोग खा पी के निकल चुके हैं यार, आखिर खा लिया, मन करा था ना खाए, मम्मी को फ़ोन किया वहीं बताया कभी दाल चावल बना हुआ है, हमने कहा दाल चावल या डेली खाते हैं बोर हो रहे थे खा के, तो हमने कहा चलो खा लेते हैं, तो हमने फिलहाल एक वेज रोल खाया और एक फ्राइड राइस खाया, ज़्यादा कुछ नहीं खाया, वैसे बहुत ऑयली हो गया खाना चाहिए नहीं था लेकिन यार मन इतना करा था ना फाइनली खा लिया। आप निकलते घर की तरफ ज़्यादा बिना लेट किए हुए, बहुत लेट हो गया यार आज तो भाई 9 बज गए यहीं पर भी घर पहुँचे 10:30 बजे, बहुत उम्मीद गुस्सा करेंगे ठीक है ना। फाइनली यार मैं पहुँच चुका गंगा बैराज और यार इतना उल्टा सीधा खाया था ना मैंने रास्ते में, मैंने कोक ले ली, अब थोड़ी देर यहीं आराम से खड़े होते हैं और मस्त यहाँ का व्यू एंजॉय करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्या बढ़िया रात का व्यू आ रहा है, मेरे पीछे कानपुर का टैग है, इधर हमारा ये नगर निगम का टैग लगा हुआ है तो मस्त पीछे लाइट आ रही है, थोड़ी देर यहीं खड़े होते हैं कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पीते हैं उसके बाद निकलेंगे यहाँ से घर। सो गाइस आप ये चेक करें मेरे गाड़ी को 2022 में लिया था और गाड़ी के मेरे किलोमीटर कितने हो गए हैं 2023, जो साल चल रहा है उतने किलोमीटर मेरे गाड़ी के हो गए हैं, वाह भाई क्या बात है एक नया अचीवमेंट। और फाइनली घर पहुंच चुके हैं और मम्मी जी क्या हाल चाल, मम्मी जी बहुत गुस्सा कर रही है, काम करने गए थे गुस्सा कर रही है, अरे काम करने गए थे देखो कोई वैल्यू नहीं है, बता रहे कि काम करने गए थे भाई आज शूट करने गए थे यार, हम लोग थोड़ी देर पहले कपड़े उतार लेते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं नहाते हैं चेंज करते हैं फिर मिलते हैं यार। तो हाँ भाई क्या हाल चाल है, अब बताओ क्या बात है, क्या बात करनी है आपको, अब आ गए हम घर आराम से बैठ चुके हैं, बाबू हमारा सो रहा है एलेक्स ये चेक करें स्विच चेक कर रहा है, इसको स्विच चेक करने देते हैं और यार बस घर पे आए खाना तो खाया नहीं क्योंकि यार बाहर से खा लिया था हम लोगों ने, वही वेज रोल खा लिया था और फ्राइड राइस खा लिया था, बाकी तो यार मैं शूट काफ़ी कम कर पाया क्योंकि बताया ना आपको मैं बताया इतना शोर हो रहा था कि मैं इतनी भीड़ भाड़ हो रही थी कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था, उस चक्कर में ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाया, टाइम निकालेंगे एक दो दिन में बीच में तो फिर चलेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो करिएगा लाइक, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।